अरे अरे, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो लोग भैंसे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर यकीन नहीं है तो जरा ध्यान से देख लीजिए कैसे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो भी भैंसे के साथ सेल्फी लेने के लिए। कि साहब, ऐसी इसमें क्या खास बात है जो लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये भैंसा कोई मामूली भैंसा नहीं है, ये 10 करोड़ का भैंसा है। चौंकी मत जनाब, ये 10 करोड़ का ही भैंसा है और इस भैंसे का नाम गोलू है। लोग गोलू के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 10 करोड़ का भैंसा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 10 करोड़ का ये भैंसा आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। दरअसल मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला लगा हुआ है। इस मेले में कई राज्यों से पशुओं को लाया गया है और इसी मेले की शान बढ़ा रहा है हरियाणा के पानीपत का ये 10 करोड़ का भैंसा। भैंसे के मालिक नरेंद्र सिंह बताते हैं कि इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ तक लग चुकी है। नहीं नहीं, सोचिएगा भी नहीं इसे खरीदने की, क्योंकि गोलू के मालिक का कहना है कि वो भैंसे को बेचेंगे नहीं। तो जरा ये भी जान लीजिए जनाब कि गोलू की कद काठी कितनी है और इस पर खाने पीने में कितना खर्च आता है। 10 करोड़ के भैंसे गोलू की खासियत: 5 फीट 6 इंच ऊंचाई, करीब 14 फीट लंबा, वजन करीब 15 क्विंटल, रोजाना 25 लीटर दूध पीता है, 15 किलो फल, 15 किलो दाना, 10 किलो मटर और 40 किलो हरा चारा। अरे बाप रे बाप, इसके बारे में जानकर दंग रह गए ना। अब आप ये भी जान लीजिए कि जनाब की खातिरदारी कितनी होती है। गोलू साहब को रोजाना शाम के समय 6 किलोमीटर की सैर कराई जाती है और तो और गोलू के शरीर की रोजाना तेल से मालिश भी की जाती है। अब इतना तो कोई इंसान के लिए भी ना करे, और यहाँ तो अकेले भैंसे पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। भैंसे के मालिक का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, जो हम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में अपना भैंसा लेकर आए हैं, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बुलवा कहा था, क्योंकि ये पूरे दुनिया का सबसे अच्छा बुल है और मुरा जाते का ये बुल है। इसका साइज भी बहुत अच्छा है, इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। तो जो इसकी मदर है उसका दूध का रिकॉर्ड भी अच्छा है। जो इसका फादर है वो PC 483 का जो इसका फादर है उसकी मदर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जो कि वो हमने तैयार करके हरियाणा सरकार को गिफ्ट किया था, ताकि पूरे भारतवर्ष के जो पशु पालक है उनकी भैंसों को सीमन रखवा करके नस्ल सुधार किया जाए। और जो रही आपकी 10 करोड़ की बात है, 10 करोड़ इस बार भैंसे को काफ़ी कई पार्टियों ने लगाए गए, क्योंकि इसके जो सीमन की सेल है वो बहुत अच्छी है और इसका सीमन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इससे जो बच्चे 1-1 साल के हमारे फार्म में आए, कुछ बार भी आए, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। तो उस करके जिस पर पशुपालकों ने ज्ञान भी है और इसके बच्चे भी देखे हैं, तो इस पर सीमन का काफ़ी जोर बढ़ा हुआ है। तो इससे सीमन की काफ़ी इनकम हो जाती है, क्योंकि इसकी एज भी लगभग बुल की 20 साल की होती है। 20 साल तक तो ये कम से कम अरबों रुपये कमा सकता है, इसीलिए इसकी 10 करोड़ की कीमत। मालिक साहब के लिए ये भैंसा बेहद ही स्पेशल है। स्पेशल है तभी तो लाखों खर्च होते हैं। इस भैंसे से आमदनी भी खूब है। भैंसे का स्पर्म बेचकर भैंसे के मालिक हर महीने लाखों की कमाई करते हैं। भैंसे के स्पर्म की मांग हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में है। गोलू के पिता की भी कद काठी ऐसे ही थी। ये भैंसा मुर्रा प्रजाति से ताल्लुक रखता है। अगर आपको भी इस भैंसे को देखना है तो आपको भी यूपी के मेरठ में जाना होगा। मेरठ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मुनव्वर चौहान की रिपोर्ट।